कुछ दिनों पहले मैं नॉर्मली माइनक्राफ्ट खेल रहा था एंड तभी मुझे एक स्किल सेंसर दिखाई देता है एंड जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ तो यस, इस स्कल सेंसर के नीचे हजारों टीएनटी थे एंड स्कल सेंसर के पास जाते ही ये सारे टीएनटी ब्लास्ट हो गए एंड मैं मर गया। बट मेरे मरने के बाद मुझे एक आवाज सुनाई देती है ये मेरा भाई था निकिल एंड इसने ही स्कल सेंसर के नीचे टीएनटीस लगाए थे। एंड इतना सब होने के बाद मैंने निकिल को एकदम प्यार से समझाया कि तूने मुझे क्यों मारा, एकदम प्यार से। तूने मेरे को मारा कैसे? एंड आगे प्यार से समझाने के बाद मैंने रिवेंज लेने का डिसाइड किया। ओके सो हम रिवेंज लेंगे चेस्ट से। अगर तुम लोग सोच रहे हो कैसे, तो सबसे पहले हमें चाहिए थोड़े से वुड। अब इन वुड से हम बनाएंगे चेस्ट एंड आगे चेस्ट बनाने के बाद मैंने एक 50 ब्लॉक्स गहरा खड्डा खोदना चालू कर दिया। गड्ढा खोदने के बाद हम यहाँ पर प्लेस करेंगे थोड़ा वाटर एंड वाटर के ऊपर हम प्लेस करेंगे चेस्ट। चेस्ट लगाने के बाद अब मैं जैसे ही इस गड्ढे के ऊपर जाऊंगा, यस, हमें इस गड्ढे के ऊपर से चेस्ट नहीं दिखाई दे रही। बट अगर मैं यहाँ से जंप करता हूँ, यस, एक्चुअली माइनक्राफ्ट में चेस्ट को देखने की लिमिट ओनली 50 ब्लॉक्स है। यानी कि कोई 50 ब्लॉक्स दूर से चेस्ट को देखता है तो उसे चेस्ट नहीं दिखाई देगी, बट उस आदमी को चेस्ट के पीछे वाले ब्लॉक्स दिखाई देंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर वाटर दिखाई दे रहा है बट चेस्ट नहीं। सो मेरा प्लान ये है कि मैं निखिल को पीवीपी के बहाने यहाँ पर लेकर आऊंगा एंड मैं यहाँ से गड्ढे के अंदर कूदूंगा तो मेरे पीछे निकिल भी कूदेगा एंड वो मर जाएगा। यस, सो अकॉर्डिंग टू माय प्लान मैंने निकिल को डिस्कॉर्ड पे कॉल किया एंड कहा आजा पीवीपी करते हैं। निकिल, हाँ, आजा पीवीपी करते हैं। एंड निखिल ने मना कर दिया। मैं नहीं कर रहा। यस, एंड आगे 2 घंटे निखिल के सामने हाथ पैर जोड़ने के बाद निखिल फाइनली फाइट के लिए तैयार हो गया। सो This time is fight time. Okay, समझा, अब तू आओ। अरे ये तो गलत बात है। कुछ गलत बात नहीं यहाँ पे। अल्लाह क्यों? खाना खाएगा। आओ इधर इधर। कहाँ गया तू? अब तू कहाँ गया? घर के अंदर क्या कर रहा निकलस तू? हेलो सर। ज्यादा होगी, ज्यादा हेल्थ कम होगी, ज्यादा हेल्थ कम होगी। भागना पागल, भागना क्या कर रहा है? भागना क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? भाग, जल्दी भाग, बता। के अंदर जंप करता हूं तो अकॉर्डिंग टू प्लान निखिल भी इस गड्ढे के अंदर जंप करता है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती है।
यस, निखिल के पास टोटम था तो इसलिए वो चेस्ट के ऊपर गिरने के बाद भी बच गया। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है क्योंकि मेरे पास एक और प्लेन था। यस, क्योंकि अगर तुम चेस्ट के नीचे देखोगे तो तुम्हें ऑब्सीडियन दिखाई देंगे एंड मेरे पास एंड क्रिस्टल भी थी और निखिल यहाँ से कहीं ऊपर भी नहीं जा सकता था क्योंकि इस फाइट में एक रूल था कि हम एलाइट्रा यूज नहीं कर सकते। सो निखिल के पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। क्या हुआ निखिल, क्या हुआ? कुछ कह रहा था तू। एंड इस फाइट के बाद निखिल ने मेरे इस मास्टर प्लान की तारीफ भी करी। अच्छा, तेरी प्लानिंग मस्त थी, मस्त प्लानिंग करी तू। मैं वही महान आदमी टट्टी आदमी।